नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जोमैटो लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे डबल बॉटम बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, डबल बॉटम बन चुका है। आपको पता है कि दोस्तों अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 81.45 चल रहा है दोस्तों। अब ये स्टॉक क्यों आपको बढ़िया रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है, लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। दो वीक का ये वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों 81.63 का लेवल हमने निकाला था। स्विंग लो को स्विंग हाई के साथ कंसीडर पकड़ के दोस्तों हमने ये लेवल निकाला था और वहां पे 161.8% का रिट्रेसमेंट था, वो 81.63 था। दोनों वीक में दोस्तों ये वीक में भी उसी के ऊपर क्लोजिंग आने के चांसेस बन रहे हैं दोस्तों। अब दूसरी चीज दोस्तों कि हमने 76 रुपीज का लेवल जो उसका आईपीओ का लेवल था वहीं पे दो बार उसने टच किया है दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर लो बना के। और दोस्तों सिचुएशन भी बहुत ही नेगेटिव है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है दोस्तों। वैसे सिचुएशन में दोस्तों अगर ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है तो एक बात समझने की जरूरी है, लॉजिकल है कि ये स्टॉक में क्यों अब पैसा बन सकता है दोस्तों। ब्रोकरेज के क्या मूवमेंट है वो भी हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लो जब बना था दोस्तों 76 का वॉल्यूम, उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था और आपको बोला था कि दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त बाइंग हो सकती है और उसी दिन जबरदस्त बाइंग हो गई। हमने 76-77 के आसपास ही प्राइस के ऊपर वीडियो बनाया था और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिल गया था हमें ऊपर के ओर की तरफ। और दोस्तों 90 का एक छोटा सा दोस्तों हंडल है जो पहले सपोर्ट लेवल था दोस्तों, उसको अब थोड़ा रजिस्टेंस हो रहा है। तो दोस्तों फिर दोस्तों नीचे आया और फिर वही लेवल से दोस्तों आज ऊपर आ गया है दोस्तों। यानी कि बॉटम जो है डेली चार्ट के ऊपर बहुत ही कंटिन्यूअस सपोर्ट दे रहा है और वीकली चार्ट के ऊपर भी दोस्तों हमें कंटिन्यूअस यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है ये स्टॉक। तो बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम स्टॉक बन चुका है। अब दोस्तों प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं, फिर ब्रोकरेज के टारगेट के ऊपर जाएंगे दोस्तों। जोमेटो लिमिटेड 81 का दोस्तों का अभी का प्राइस है, 82 का दोस्तों ओपन हुआ, 83.40 का दोस्तों हाई बनाया और लो बनाया 80.75। दोस्तों आज अगर देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बहुत ही बढ़िया तेजी है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है और क्वांटिटी भी बहुत ही कम है, 50 लाख की आसपास क्वांटिटी है और दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी है 30,03,000 की, 59.32% की डिलीवरी क्वांटिटी है। दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, हम क्यों इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उसको दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 11 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी कंटिन्यूअस गिरावट हो रही थी दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए 11 फरवरी को 56.4% की डिलीवरी थी, 10 फरवरी को 64.6 थी और यहाँ पे दोस्तों 14 फरवरी को 52.3% की डिलीवरी थी दोस्तों। और वैसी डिलीवरी आज भी इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे डबल बॉटम होने का संभावना देख रहा है दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों कंटिन्यूअस दोस्तों प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है दोस्तों, बट मार्च 2021 में कम आया था। उसका रीजन था दोस्तों कि लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन लगे थे, तो जेन्यून बात थी कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट हुआ था और उसी टाइम पे दोस्तों आईपीओ आया था दोस्तों। और इस साल दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बट नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही है। न्यू जनरेशन बिजनेस है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ओवर एफआईआई दोस्तों बाय कर रहे हैं, डीआईआई थोड़े हल्के हुए। तो पब्लिक होल्डिंग पे देखेंगे तो दोस्तों कौन कौन है, इन्फो एज है, उबर है दोस्तों, अलाई पेड़ है, बहुत बड़े बड़े दोस्तों नाम यहाँ पे आपको दिख रहे, तो दोस्तों दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और इन्फो एज की जो कंपनी है दोस्तों उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है हमें ऑलरेडी दोस्तों। अब ब्रोकरेज के टारगेट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, जो क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया था उसके बाद दोस्तों ब्रोकरेज ने जो टारगेट थे वो कट कर लिया था, बट क्रेडिट स्विस का अगर आफ्टर रिजल्ट का भी टारगेट देखे तो 120 है, जेएम फाइनेंशियल का 155 है, जोमेटो का टारगेट जेफरीज का अगर देखा जाए तो 120 है, सीएलएसए का 140 है, बैंक ऑफ अमेरिका 115 है और मॉर्गन स्टेनली का 150 है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से दोस्तों जोमेटो को बाई कर लेना चाहिए, जैसे ही ये स्टॉक रिकवर होगा तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मिल सकता है आपको रिटर्न दोस्तों। अगर वॉर दोस्तों बहुत ज़्यादा एस्केलेट होता है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो दोस्तों क्या हो सकता है इस स्टॉक में प्राइस, तो दोस्तों ये स्टॉक को अगर टूटना है तो आपको 76 का जो प्राइस है दोस्तों उसको तोड़ना पड़ेगा वीकली चार्ट के ऊपर या डेली चार्ट के ऊपर। अगर वहाँ पे दोस्तों भारी गिरावट आती है तो दोस्तों 60 तक के टारगेट हो सकते हैं नीचे के लेवल के ऊपर, बट यहाँ पे अब जो बेस बन रहा है डबल बॉटम बन चुका है तो चांसेस थोड़े से कम रहे और दोस्तों पैनिक सिचुएशन में बॉटम बना है इसीलिए दोस्तों चांस कम रहे। बट अभी ये वीक में दोस्तों अभी ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, अभी दोस्तों 3-4 घंटे बचे हुए हैं दोस्तों, तो तब तक अगर यहाँ पे गिरावट नहीं आती है दोस्तों तो फिर ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देगा।
और बहुत ही अच्छा रिवर्सल आ सकता है और आपको बहुत ही बढ़िया पैसा बना के देने की संभावनाएं रखता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।